जॉन, आज मैं तुम्हारे लिए अपना ऐसा गैजेट लाया हूँ कि तुम किसी को भी गोस्ट बना के लोगों को डरा सकते हो। ये रहा गोस्ट गैजेट। वेरी गुड वायरस सर, वेरी वेरी गुड। मैं अपने नंबर वन नंबर टू को घोस्ट बना के सबको डराऊंगा और लूट मार मचा दूंगा। वायरस सर, आप मुझे डेमो तो दिखा। जॉन, ये रहे घोस्ट नंबर वन और नंबर टू, और अब इस गैजेट की कीमत सिर्फ 10 करोड़। वाह वाह वायरस सर, आपका बनाया हर गैजेट आपकी तरह बेमिसाल है। नंबर वन नंबर टू, इन्हें रुपए दे दो। ओके बॉस। जॉन, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें देख लूंगा। अब जॉन बनेगा डॉन। मेरे प्यारे भूतों, हमारे दुश्मन नंबर वन को डराने का समय आ चुका है। ओके पापा। जिंगरी पापा, टिंका चिंका, जिंगरी पापा, टिंका चिंका, जिंगरी पापा। टिंका चिंका, जिंगरी पापा। भूत, हमें तो भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हम तो सब खाते हैं, कपड़े, जूते, कुछ नहीं दिया तो आदमी भी खा लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे मत खाना। तुम्हें जो चाहिए ले लो, जो चाहिए ले लो। अरे मोटू, ये तुम टॉवल में कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे कपड़े कहाँ है? कपड़े वो मैं नदी में नहाने गया था ना, तो कोई उठा ले गया। किसी बच्चे ने शरारत की होगी, बचपन में तुम भी तो करते थे। ठीक है ठीक है, ज्यादा बहको मत। येलो लिस्ट, बाजार जाकर सब सामान ले आओ जल्दी। बाजार? मैं नहीं, फिर से बाहर। नहीं नहीं, मैं ओफो, कितनी गर्मी है। लगता है सूरज महाराज आज सिर्फ हम पे ही मेहरबान है। मेरा ये मैसेज मोटू पतलू की जिंदगी में तूफान ला देगा। आओ मेरे साथ आओ, चलो। पतलू, ये भरोसा आइसक्रीम का ऑफर सुनो। आज जो पहले दो लोग कार से हमारे आइसक्रीम पार्लर में आएंगे, उनको पेट भर के फ्री आइसक्रीम खिलाई जाएगी। भरोसा आइसक्रीम पार्लर। लेकिन पतलू, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कार तो है नहीं। क्यों नहीं है? कार है, हमारी नहीं तो बॉक्सर भैया की तो है। बॉक्सर भैया, आपकी कार हमें 1 घंटे के लिए उधार चाहिए थी। अच्छा, अरे कार तो मैं दे दूंगा, अगर मेरी कार को एक खरोच तक भी आई ना, फिर सोच लो मैं क्या करूँगा। क्या करोगे बॉक्सर भैया? समझ गए ना? अरे मोटो, पूछने की क्या जरूरत थी? समझ गया भैया, समझ गया। सुनो, मुझे रास्ते में ड्रॉप करते हुए जाना, ओके? आइए आइए, हमारी आइसक्रीम कंपनी की तरफ से सबसे पहले आने वाले दो आदमियों को फ्री में पेट भर कर आइसक्रीम खिलाई जाएगी। लेकिन ओए, इस गर्मी में ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। एक तो मुझे खिला दो और दूसरा इन दोनों में से किसी एक को दो। समझ गए ना? मोटू गई भैंस पानी में, कितने पापड़ बेले फ्री में आइसक्रीम खाने के लिए, और बाजी तो बॉक्सर भैया मार गए। सॉरी सर, भरोसा आइसक्रीम किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ती। आप तीनों यहाँ से चाय वाले की दुकान तक रेस लगाइए,
जो दो लोग पहले लौटेंगे उन्हें फ्री आइसक्रीम मिलेगी। ठीक है चलो हो जाए रेस, लेकिन खबरदार जो कोई मुझसे आगे निकला तो समझ गया ना? तो फिर ठीक है। गेट सेट लो, पहनो, सज जाओ, धज जाओ, तैयार हो जाओ। अब तुम पतलू की दुल्हनिया बन के जाओगे और उसे इतना तंग करोगे कि वो फुरफुरी नगर छोड़ के भाग जाए। अगर वो चला जाएगा तो मोटू भी भाग जाएगा और फिर जॉन बनेगा डॉना, जॉन बनेगा डॉना। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग बता सकते हैं पतलू जी कहाँ रहते हैं? बहन जी आप कौन हैं? मैं पतलू जी की दुल्हनिया हूँ, उनकी धर्म पत्नी हूँ। क्या? क्या? आप पतलू की धर्म पत्नी? जी हाँ, कुछ साल पहले उन्होंने मुझसे शादी की थी। पिछले एक साल से वो मुझसे मिलने तक नहीं आए। मुझे उनकी बड़ी चिंता सता रही थी। बहुत पता करने के बाद पता चला कि वो अपनी दोस्त मोटू के साथ इसी शहर में रहती हैं। तो मैं उनसे मिलने चली आई। अयमा पतलू तो छुपा रुस्तम निकला, शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। ओए कसम मेरे मरीजों की, पतलू की शादी हो चुकी है और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है यारी। चलो पतलू की दुल्हनिया को गाजे बाजे के साथ घर ले आओ यारी। मेरे दोस्त पतलू ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। क्या मैं इस काबिल भी नहीं रहा? ये बैंड बाजे की आवाज कैसी? पतलू मेरे भाई, मेरे यार, बहुत बहुत मुबारक हो यार। ओड़ी बाबा पतलू, तुमने इतना बड़ा बात हमसे छिपाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारा शुभकामना तुम स्वीकार करो। अरे किस बात की बधाई दे रहे हो बताओ तो? अयमा पतलू तुम्हारी शादी की बधाई। वो देखो हम लोग तुम्हारी दुल्हनिया को साथ लेकर आए हैं। दुनिया 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 तुम्हारी दुनिया दुल्हनिया। शादी? अरे मेरी कोई शादी नहीं हुई है। मोटू तुम इन लोगों को समझाओ। अरे पतलू मैं क्या समझाऊं? तुम देखो मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, एक घंटे का टाइम है मेरे पास। जल्दी से इंटरव्यू के लिए एक एक करके कैंडिडेट को भेजो, फास्ट। बात है। आप तो बहुत बहादुर हैं, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। आज से आपकी नौकरी पक्की हो गई। नौकरी पक्की हो गई? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मोटू मेरे भाई, मेरे यार, नौकरी लग गई कि नहीं? लग गई बड़े भैया, नौकरी लग गई। मुबारक हो। सुनो मेरा कुरियर आया होगा, रेड कलर का बॉक्स है। ओके बड़े भैया ले आएंगे। मोटू पतलू आओ तुम्हें काम समझा दूं। मोटू देखो उस रूम से बेल्ट में कुरियर कार्टन्स में आएंगे और इस बेल्ट से होते हुए दूसरे रूम में नीचे जाएंगे। तुम्हारे हाथ में एड्रेस स्टिकर्स हैं। जिस सीक्वेंस में बॉक्सेस आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में स्टिकर्स तुम्हारे हाथ में हैं। बस तुम्हें स्टिकर्स चिपकाते जाना है।
और पतलू तुम दूसरे रूम में नीचे बॉक्स को कलेक्ट करके डिलीवरी पे जाओगे। ओके ओके सर। दो तीन चार। रेड बॉक्स ये तो बड़े भैया का है, इसे साइड में रख लेता हूँ। पाँच छह सात आठ, मैं तो भूल गया। अरे मोटू क्या कर रहे हो, ऊपर जाओ। हाँ हाँ जाता हूँ जाता हूँ। मेरे रेड बॉक्स ले आऊंगा बड़े भैया। अरे सर आपका कुरियर। ये क्या? अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।